हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा भाव में लगा देते हैं। ज्यादातर मामलों में लोग गुमनामी में रहकर भी अपने काम को करते रहते हैं। वहीं ऐसे लोग देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार के जरिए देश के सामने आते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोगों की कहानी हम आज आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि भावुक भी हो जाएंगे। पहला नाम है तुलसी गौड़ा। इस तस्वीर को देखने के बाद बस यही कहा जा सकता है कि यही है सम्मान का सम्मान। जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर ये है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जब वह सम्मान लेने के लिए पहुंची तो उनके बदन पर पारंपरिक धोती थी और पैरों के नीचे चप्पल तक नहीं थी। पीएम मोदी और अमित शाह से उनका सामना हुआ तो दोनों दिग्गज नेताओं ने उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हुए उन्हें नमस्कार किया। इस तस्वीर को वहां मौजूद प्रेस कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली गौड़ा ने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और वन विभाग की नर्सरी की देखभाल करती हैं। तुलसी गौड़ा को सम्मानित करने के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। तुलसी गौड़ा को पौधों और जड़ी बूटियों की विविध प्रजातियों के अपने विशाल ज्ञान के कारण जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद शरीफ, लावारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले प्रभु राम की नगरी अयोध्या के समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी कहानी सुन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल करीब 25 साल पहले उनके बेटे की मौत हो गई थी। वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक खुद नहीं कर पाए थे। बस तभी से वे लावारिस लाशों को अपना पुत्र समझकर बिना जात या धर्म देखे उनका अंतिम संस्कार करने लगे। आज वे 25,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। उनकी इस भावुक कहानी को जान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को उनका हाथ पकड़ उनका हौसला हाफजाई करने से रोक नहीं पाए। हरेकाला हजब्बा। संतरे बेचने वाले 64 साल के हरेकाला हजब्बा को पद्मश्री से नवाजा गया है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि संतरे बेचने के लिए भला इतना बड़ा सम्मान क्यों? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल एक दिन कुछ विदेशी टूरिस्ट ने हजब्बा से अंग्रेजी में उनके संतरों का भाव पूछा। अंग्रेजी न आने के चलते वे उसका जवाब नहीं दे पाए, वे खुद अशिक्षित थे। इसके बाद उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से साल 2000 में अपने गांव में 1 एकड़ जमीन पर जरूरतमंद बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की। यहां हमने आपको सिर्फ 3 कहानियां बताई हैं, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो गुमनामी में भी समाज सेवा को परम धर्म मानते हैं। देश में अब ऐसी शुरुआत हुई है कि पुरस्कार के असली हकदार इन लोगों को ऐसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.